हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के एक और टॉपिक के बारे में। आज की इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अपनी इस वीडियो में इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको हम जो है सेपरेट वीडियोज़ बनाकर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है किस सोशियोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया है या किस सोशियोलॉजिस्ट के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो नंबर वन कॉन्सेप्ट है पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद। तो ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा कि प्रत्यक्षवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है अगस्त कॉमट ने। नंबर टू है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी स्वयं कार्यान्वित भविष्यवाणी, ये दिया है रॉबर्ट किंग मर्टन ने। नंबर थ्री है कल्चर ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी की संस्कृति, ये कॉन्सेप्ट दिया गया है ऑस्कर लुइस द्वारा। नंबर फोर है तर्क संगत क्रिया यानी कि रैशनल एक्शन, ये कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का। नंबर फाइव है बियॉन्ड फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन से परे, तो इस कॉन्सेप्ट को दिया है सोशियोलॉजिस्ट बर्नार्ड बेरेलसन ने। और साथ ही साथ एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं फिलिप मॉरिस हाउजर, जिनकी वजह से बियॉन्ड फैमिली प्लानिंग कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी फेमस हुआ था। नंबर सिक्स कॉन्सेप्ट है स्टेप माइग्रेशन यानी कि चरण प्रवासन। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले सोशियोलॉजिस्ट का नाम है अर्नेस्ट जॉर्ज रेवेंस्टन। नंबर सेवन है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल कम्युनिटी यानी कि नैतिक समुदाय की अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट के साथ नाम जुड़ा है एमाइल डरखाइम का। नंबर एट है फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स यानी कि कार्यात्मक विकल्प, रॉबर्ट किंग मर्टन। नंबर नाइन है जनरलाइज्ड अदर यानी कि सामान्यकृत अन्य, जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा दिया गया। नंबर टेन है फोकस्ड इंटरेक्शन यानी कि ध्यान केंद्रित अंतक्रिया, ये कॉन्सेप्ट दिया गया है इरविंग गॉफमैन द्वारा। नंबर 11 है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम्स यानी कि आंतरिक और बाह्य प्रणाली, इस अवधारणा के साथ नाम जुड़ा है जॉर्ज कैस्पर होमन्स का। नंबर 12 है कम्युनिकेटिव एक्शन यानी कि संवादात्मक कार्रवाई या आप कह सकते हैं क्रिया, जिसे दिया है जर्गन हेबरमास ने। नंबर 13 है इड ईगो एंड सुपर ईगो, ये जो है काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है जो कि दिया गया है सिगमंड फ्रॉयड द्वारा। नंबर 14 है एक्सप्रेसिव रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल रोल यानी कि अभिव्यक्तियात्मक भूमिका और वाद्ययंत्र भूमिका, तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले समाजशास्त्री का नाम है टालकट पार्सन्स। नंबर 15 है सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, बी आर अम्बेडकर। नंबर 16 है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन यानी कि शुद्धता और प्रदूषण, लुइस डुमॉन्ट। नंबर 17 है फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन, ए आर देसाई। नंबर 18 है हु प्रपाउंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, तो वे हैं आर के मर्टन, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट किंग मर्टन। नंबर 19 है इथनोसेंट्रिज्म यानी कि प्रजाति केंद्रिता, तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले सोशियोलॉजिस्ट का नाम है विलियम ग्राम समनर। नंबर 20 है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ यानी कि शहरीकरण जीवन के तरीके के रूप में, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ नाम जुड़ा है लुइस विर्थ का, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को दिया है लुइस विर्थ ने। नंबर 21 है फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम यानी कि लोक शहरी निरंतरता, जो कि दिया गया है रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा। नंबर 22 है लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस यानी कि छोटी और महान परंपराएं, तो फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट के साथ जो है दो सोशियोलॉजिस्ट का नाम जुड़ा है। नंबर 1 है मिल्टन सिंगर और नंबर 2 है रॉबर्ट रेडफील्ड। नंबर 23 है बॉर्न क्रिमिनल, सो ये कॉन्सेप्ट दिया है सीजर लोम्ब्रोसो द्वारा। कॉन्सेप्ट नंबर 24 है वोट बैंक, तो ये दिया गया है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट M. N. श्रीनिवास द्वारा, जिनका पूरा नाम है मैसूर नरसिमाचर श्रीनिवास। नंबर 25 है क्लास कॉन्शियसनेस एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस यानी कि वर्ग चेतना और झूठी चेतना, ये भी जो है काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने बात की 25 कॉन्सेप्ट्स और उनके सोशियोलॉजिस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें।